बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, 7 जुलाई 2017 में जब पाकिस्तान ने 5th जनरेशन तैयारा बनाने का ऐलान किया तो अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान के इस ऐलान को कोई खास तवज्जो न दी। वजह पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का न होना था। स्टेल्थ बनाना एक तो बहुत मुश्किल काम है और दूसरा इस प्रोजेक्ट पर बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। पाकिस्तान ने जब प्रोजेक्ट अजम का इफ्तिताह किया तो भारत समेत बहुत से ममालिक इस पर हंसते थे, मगर फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने जिस तेजी से प्रोजेक्ट अजम को आगे बढ़ाया, इसे देखकर यूरोप और अमेरिका का मुंह भी खुले का खुला रह गया। इस वक्त पाकिस्तान प्रोजेक्ट अजम के तहत बहुत से ऐसे खतरनाक हथियार बना चुका है जो खतरनाक होने के साथ साथ दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए भी काफी है। प्रोजेक्ट अजम शुरू करने का असल मकसद मुल्क की सतह पर 5th जनरेशन जंगी तैयारी की तैयारी थी, और इस हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी 5th जनरेशन जंगी तैयारी का ढांचा तैयार कर लिया है और अब सिर्फ उसे बनाने पर काम जारी रखना है। नाज़रीन मोहतरम, 5th जनरेशन जंगी तैयारों की तैयारी में चीन का किरदार इंतहाई अहम होगा, क्योंकि चीन अपने G20 तैयारों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयार में फिट करने जा रहा है। चीन के G20 तैयारों में जिस तरह की टेक्नोलॉजी को नष्ट किया गया है, इसका मुकाबला तो शायद अमेरिका का F-35 भी नहीं कर सकता। एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने पाकिस्तान के 5th जनरेशन जंगी तैयारी के हवाले से कुछ दिनों पहले दावा किया था कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारों का ढांचा तैयार कर लिया है और Block 3 की तैयारी के बाद पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन जंगी तैयारों को बनाने पर काम जारी कर देगा और ये ऐसा जंगी तैयारा होगा जो पाकिस्तान के दुश्मनों पर क़यामत बनकर टूटेगा। 5th जनरेशन जंगी तैयारों के अलावा प्रोजेक्ट अजम के तहत न्यूक्लियर अवदोषों पर भी काम जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरीज़ोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।